सचिवालय में सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित करने के साथ ही विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से और बेहतर बनाने के लिए सर्विलांस व तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा भी दिलाई। साथ ही अपने कार्यक्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले सतर्कता विभाग के कर्मियों को सम्मानित भी किया। मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। आज सुबह जैसे ही लोगों को उनके दिल्ली के एक अस्पताल में देहांत की खबर मिली, उसके बाद से ही उनके बहुजन समाज पार्टी कार्यालय और आवास पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। जब से हाजी सरवत करीम अंसारी साहब इस मंगलौर क्षेत्र की राजनीति में उन्होंने कदम रखा था, तब से ये समझ लीजिए कि बच्चा बच्चा उनका जो है इतनी मोहब्बत और इतना प्यार करता था कि आज पूरे क्षेत्र का इंसान, यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बच्चे से लेकर बुज़ुर्गों तक, सब लोग रो रहे हैं, अलग अलग हो कर के रो रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव रखा, हमेशा हमेशा गरीबों के साथ दिया है और लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, उन्होंने क्षेत्र की लड़ाई लड़ने का काम किया है, बुराइयों को ख़त्म करने का काम किया है और अच्छाइयों की तरफ लोगों को चलाने का काम किया है। उन्होंने खानदानी लीडर थे, बचपन से लीडरी कर रहे थे, कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं लगातार, MLA भी रहे, और शख्सियत ऐसी होने के नाते मुझे तो लगता है कि कैबिनेट के सभी विधायक मंत्री यहाँ आने चाहिए और आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भी आ सकते हैं। मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत पर कांग्रेस ने शोक प्रकट किया है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि इस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है, दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि हाजी सरवत करीम अंसारी काफ़ी संघर्षशील नेता थे, इन लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। उन्होंने हाजी सरवत करीम अंसारी के परिजनों और शुभ चिंतकों को सांत्वना भी दी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है कि हमारी विधानसभा के वर्तमान सदस्य सरवत करीम अंसारी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और अंतोगत्वा वो बीमारी के सामने हार गए। ये बहुत ही दुखद क्षण है, इस दुखद क्षण में कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिजनों और समर्थकों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी से वो बाहर निकल सकें। वो एक संघर्षशील और लोकप्रिय नेता थे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो रात दिन तत्पर रहते थे, और एक संघर्षशील नेता का यूं ही असमय चले जाना निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। कांग्रेस परिवार इस दुखी घड़ी में सरवत करीम अंसारी जी के परिवार और समर्थकों के साथ खड़ा है। भगवान इस दुखी घड़ी से उन सबको निकलने में सहायता प्रदान करेंगे, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करने का प्रयास किया तो पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया गया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष को उसका काम करने से रोक रही है, जिसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को देगी। लोकतंत्र का जो अधिकार है, विपक्ष का जो अधिकार है अपनी बात रखने का, अपना प्रदर्शन करने का, आज उससे भी ये भाजपा सरकार हमें वंचित कर रही है। आज अगर हमने अपनी आवाज उठाने की बात की, जो उत्तराखंड सरकार के नेतृत्व में जो विभागों में जो घोटाले हो रहे हैं, जो उद्यान विभाग में घोटाला हुआ उसका हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, उसमें CBI जांच गठित की, इसी तरह वन विभाग अन्य विभागों में भी इसी तरह के घोटाले हो रहे हैं, और हम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि क्योंकि प्रदेश सरकार तो
के कानों में तो जू नहीं रेंगती, लेकिन हाईकोर्ट से हम अनुरोध करेंगे कि वो हमारा सुप्रीम पावर है, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि इन विभागों पर भी वो सीबीआई की जांच गठित करे और जो दोषी मंत्री हैं और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मैं समझता हूं कि भाजपा को इतना नीचे के स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। विरोध करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है और विरोध करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, पर भाजपा जिस तरह से तानाशाही दिखा रही है तो पूरे प्रदेश या देश में आप देख सकते हैं, दाल से भी सस्ता दलित है और मांस से सस्ता मुसलमान है, मैं शब्दों के साथ कहना चाहूँगा। और कहीं पे भी भाजपा को जो आम जनता है उसके सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक जो छदम राष्ट्रवाद है और या धर्म की आड़ में लेकर सरकार बनाना चाहती है। पर मैं नहीं समझता कि अब आप इस तरह से इनके जो पैतरे हैं वो काम आएंगे, क्योंकि अब सारी जनता समझ चुकी है कि हर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर विकास को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां एक तरफ भाजपा इन्वेस्टर को लेकर काफ़ी खुश दिखाई दे रही है और उत्तराखंड के विकास के नाम पर दावे भर रही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आज पत्रकारों को बताया कि भाजपा केवल दिखावा कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौकरशाही हावी है, जो कमजोर तबका है, दलित शोषित वंचित मातृशक्ति, डर का माहौल है, रोज हत्याएं बलात्कार हो रहे हैं, किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देने को सरकार तैयार नहीं है। बिचौलिए चाहे धान की खरीद हो चाहे गेहूं की खरीद हो, कांटे नहीं लग रहे हैं कहीं पर, कोई क्रय केंद्र नहीं खोले गए हैं, आय दुगनी करने वाली सरकार आज किसानों का शोषण कर रही है। महंगाई पेट्रोल है, डीजल है, बिजली की कीमतें हैं, खाद है, दवाएँ हैं, सब महंगी हो गई हैं, किसान को तो उनका जो लागत है वो उसका मूल्य वो नहीं मिल पा रहा है। तो हर तरह से आज पूरे देश में, पूरे देश भर में लोगों में हताशा है, निराशा है, समाज को बांटने जा रहा है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है और धर्म के नाम पर विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है बदलाव चाहती है।